गिलानी गांव की गौशाला में हुआ पौधारोपण कार्यक्रम, सीईओ अंबालाल मीणा के आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। सीईओ ने कहा हर विभाग को दिए गए हैं पौधारोपण लक्ष्य। जिले की गौशालाएं भी आ रही हैं पौधारोपण में आगे। भाजपा नेता राजेश दहिया समेत अन्य विशिष्ट जन रहे मौजूद। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशन में झुंझुनू जिले में पौधारोपण अभियान चल रहा है। इस अभियान के नोडल अधिकारी जिला परिषद सीईओ अंबालाल मीणा ने इसी क्रम में पिलानी के समीप लिखवा गांव की श्री कृष्ण गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बतौर अतिथि भाजपा नेता राजेश दहिया भी मौजूद थे। सीईओ अंबालाल मीणा ने बताया कि इस बार पंचायत राज विभाग ने नरेगा समेत अन्य कार्यक्रमों के तहत पौधे लगाने का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है, तो वहीं शिक्षा विभाग वन विभाग को भी लक्ष्य आवंटित किया गया है। अभियान में जिले की गौशालाएं भी भागीदार बन रही हैं। इसी क्रम में आज लिखवा गांव की गौशाला में सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले सभी अतिथियों का गौशाला अध्यक्ष कैलाश व्यास लिखवा ने स्वागत किया। सीईओ अंबालाल मीणा ने बताया कि पूरे जिले में न केवल विभाग गौशाला प्रबंधन समिति के लोग बल्कि आमजन भी इसमें भागीदार बन रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग पौधे लगा रहे हैं वे एक बच्चे की तरह इन पौधों को पाल पोस कर बड़ा भी करेंगे। इस मौके पर सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रुयल, पिलानी बीडीओ सुनील ढाका, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, पिलानी सीआई नारायण सिंह के अलावा सीवीईओ मनीष चाहर, एसबीईओ प्रेमचंद खन्ना, एवीडीओ सुखदेवा राम, एवीडीओ विनोद कुमार, राजेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमन, वीडियो संदीप डारा, गजेंद्र सिंह, सरपंच बच्चन सिंह, पूर्व सरपंच सुरेश सैनी, पीईईओ ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच साधुराम, सरपंच दिलीप स्वामी, कानू सिंह, सज्जन कोठारी, होशियार सिंह, मंडल अध्यक्ष रतन सिंह शेखावत, छापड़ा महेंद्र सिंह दूधवा, महावीर यादव आदि मौजूद थे। देखिए, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिले में वृक्षारोपण के कार्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी विकास अधिकारियों को नरेगा के तहत और सभी विभागीय अधिकारियों को उनके उनके विभाग के लक्ष्य जो है वो आवंटित हुए हैं, और उसके संबंध में 15 जून के आसपास गड्ढे खोदने का काम जो है वो सभी लोगों ने किया है। इस जगह पर भी ये तैयारी हुई है। गौशालाओं को भी एक लक्ष्य जो है आवंटित हुआ है। जितनी भी उनकी यहाँ भूमि है या जो सुविधा है उसके हिसाब से वृक्षारोपण का कार्य उन्होंने हाथ में लिया है। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर था। जिले में शिक्षा विभाग को सबसे बड़ा लक्ष्य आवंटित हुआ है, उसके अलावा वन विभाग को और पंचायत राज को बड़े लक्ष्य आवंटित हुए हैं। उसमें से पंचायत राज विभाग ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है और वन विभाग जो है वो हर साल ही अपना काम करता है। शिक्षा विभाग ने भी बहुत बड़ी संख्या में ये काम चालू किया है। जिले में बहुत अच्छी जो तस्वीरें हैं वृक्षारोपण की वो सभी जगहों से, चाहे वो विद्यालयों से हो, चाहे ग्राम पंचायतों से हो, चाहे जनसामान्य की हो, वो आ रही है। और बहुत ही अच्छा इसमें एक एहसास है कि भाई सब लोगों ने इस संदेश को समझा है और मेहनत की है। आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि वृक्षारोपण को क्या है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में अब हम लें। बढ़ता हुआ जो तापमान है, बरसात की कमी है, पानी की कमी है, यहाँ तक कि छाया है, पेड़ पौधों के लिए दाना पानी है, घटती हमारी खेती की पैदावार है, इन सब समस्याओं का जो समाधान है उसमें एक चीज़ हमारे पास कुंजी के रूप में आज की तारीख में भी है और वो हमको समझ में आ रही है निश्चित रूप से। तो सभी लोग मिलके इसमें प्रयास करें। यदि आज हम इस काम को शुरू करते हैं तो भी इसमें कुछ न कुछ परिणाम लाने के लिए कम से कम 10-15-20 साल का अरसा हमको लगेगा। इसलिए हमारे पास समय अब है नहीं, इसमें कोई चॉइस भी नहीं है, तो तुरंत इसको गंभीरता से हमको लेना चाहिए। और ज़िले में बरसात भी हुई है, जहाँ जहाँ नहीं हुई है अब होनी शेष है वहाँ अब होगा, लेकिन बाकी जगह जहाँ अच्छी बरसात हुई है वहाँ पर वृक्षारोपण के कार्य की शुरुआत लोगों ने कर दी है। विधिवत शुभारंभ जो है सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। पुनः आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि सभी लोग इस काम को पूरी गंभीरता से, पूरी तन्मयता से लें और एक बच्चे को पाल पोस करके जैसे बड़ा किया जाता है उस प्रकार से ही वृक्ष को भी पाल पोस करके बड़ा करें और इसमें अपना योगदान, अमूल्य योगदान प्रदान करें।